अपनी परेशानियों की वजह दूसरों को मानने से आपकी परेशानी कभी कम नहीं हो सकती। और ये बिल्कुल सही बात है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि अपनी भड़ास जो है वो दूसरे पर निकालते हैं, उनको अपनी गलती कभी नज़र आती ही नहीं है। और ऐसा कब तक, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल आप अपना गलती कब तक छुपा सकते हैं? जब सही मायने में जिंदगी से सामना होगा, जब प्रॉब्लम से, तब नजर आएगा कि पूरे दुनिया को गलत साबित करने में वो समय अपना व्यर्थ कर दिए जब अपने फ्यूचर पर अपना पूरा फोकस करना था। लेकिन उस वक्त सबसे मजबूर व्यक्ति जो होंगे वो आप होंगे। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, समय रहते ना अपने आप को काबिल बनाना है, मैं क्या कर सकता हूँ, बाकी की गलती नहीं देखना है आपको, इस समय अपनी गलती देखना है कि मेरे अंदर क्या गलती है और उसको मैं कितने बेहतर तरीके से उसको ठीक कर सकता हूँ। क्लास को स्टार्ट करूँगा, बोलूँगा बहुत बहुत गुड मॉर्निंग सभी का। जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा successkey98.in से। और किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट देना है तो successkey98.net से दे सकते हैं। हालांकि आप एप्लीकेशन से भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं हर एक एग्जाम का, ताकि आप लोग अपने आप को जज कर पाओ। और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा क्योंकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सो कोई भी क्लास मिस नहीं करना है, मैंने आपको कल ही बता दिया, यानी आज 10 तारीख है, तो आज से आपका जो क्लास है वो स्टार्ट होने वाला है। आपको मैंने बताया था कल के वीडियो में कि जीके जीएस टीसीएस वाला शाम को 4 बजे मिलेगा, मैथ 6 बजे और रीजनिंग 10 बजे, और बाकी जो तीनों क्लास, ये दो क्लास आपको दिखाई दे रहा है, ये क्लास आपको 11 तारीख से मिलेगा इस टाइमिंग पर। कल के वीडियो में मैंने आपको पूरा डिस्कस कर दिया है क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है? तो ये बहाना मत बनाइएगा भैया नोटिफिकेशन नहीं गया, नहीं पता चलता है, तो टेलीग्राम से जुड़ जाओ। रात को मैंने सोने से पहले एक वीडियो भी डाल दिया है कि आपको करना क्या है ताकि आपका एक भी क्लास मिस ना हो। और आज कवर करने वाले हैं हम लोग 10 सितंबर के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। तो देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न जो निकल कर आ रहा है। आज का पहला प्रश्न ही काफी इंपॉर्टेंट है और ये सभी को पता है, जितने भी इंडियन है सभी को पता है, लेकिन मैं दोबारा करवा दे रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न पूछेगा तो आप याद रखिएगा। आपको बताना है इसरो ने चंद्रमा लैंडर विक्रम, आप सभी को पता है जो लैंडर लैंड करने वाला था चंद्रमा पर, उसका नाम क्या था? तो विक्रम नाम था, ठीक है? इसके साथ संपर्क जो है वो खो दिया गया था, लेकिन अभी रिसेंट रिपोर्ट आया है कि इसरो के जो चीफ है के सिवन, उनका कहना है कि लैंडर का जो है विक्रम का पता लगा लिया गया है और वो बिल्कुल सुरक्षित है, कुछ हानि नहीं पहुंचा है। उससे संपर्क जुटाने की कोशिश लगातार की जा रही है, ठीक है? तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपको ये बताना है कि चंद्रमा पर लैंड करने से कितने किलोमीटर पहले संपर्क टूटा था, तो वो याद रखिएगा 2.1 किलोमीटर। और हालांकि मैं उस दिन बहुत रात को 4 बजे तक जग कर पूरे लाइव टेलीकास्ट में देख रहा था, और मैं देख रहा था बहुत सारे जो हमारे छोटे मोटे मुल्क के लोग हैं बगल के, यानी पाकिस्तान के लोग, कुछ ब्लेम कर रहे थे कि इंडिया कुछ नहीं कर पाएगा। तो यार आप एक बात जान लो ना, आप भी उनको जवाब दे सकते हैं, हालांकि जवाब देने का जरूरत नहीं है, उनको पता है कि हम लोग कौन है। आप सभी को पता है अभी 4-5 साल पहले वो लोग ये सब करना स्टार्ट किए हैं, और हम लोग 1984 में ही चांद पर चले गए थे। और आपको पता है राकेश शर्मा ने उसी समय आपको क्या बोला था, इंदिरा गांधी ने बोला था राकेश शर्मा से कि चांद से हमारा देश कैसा लगता है, तो उनका एक ही जवाब था, सारे जहां से अच्छा, ठीक है? तो ये बात करते हैं हम लोगों के बारे में, ऐसा तो बिल्कुल सोचना नहीं है, और ये बहुत प्राउड की बात है। सारे देश जो है वो बहुत तारीफ कर रहा है इसरो का, और ये तारीफ लायक है भी, बहुत कम पैसे में इतना कुछ करना नामुमकिन को मुमकिन बनाकर दिखाया है हमारे इसरो ने। अगला प्रश्न हमारे सामने, और आप सभी को पता ही है इसरो के जो चीफ है वो कौन है, के सिवन है, ठीक है? अगला प्रश्न हमारे सामने है, आप सभी को बताना है निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में से कौन सा एक सामान्य उच्च न्यायालय होगा। आप सभी को बताना है दो केंद्र शासित प्रदेश में से कौन सा एक समान उच्च न्यायालय होगा, तो वो आपका जम्मू और कश्मीर एंड लद्दाख,
ये दो का ना, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का जो है वो जो हाई कोर्ट रहने वाला है वो कॉमन रहने वाला है, वो एक ही रहने वाला है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, और हाँ एक बात और याद रखिएगा कि जम्मू एंड कश्मीर के जो राज्यपाल है उनका नाम क्या है, सत्यपाल मलिक, राइट। चलो अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत ने किस राष्ट्र को $1 मिलियन की मानवीय सहायता की घोषणा की है, और ये किया गया है किस कंट्री को भारत सहायता दे रही है, तो वो दे रही है आपका बहामास, ऑप्शन नंबर ए बहामास को, ठीक है। और वहां के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो उनके प्रधानमंत्री पीएम का नाम है आपका हर्बर्ट मिनिस, राजधानी नसाउ, और वहां का मुद्रा क्या इस्तेमाल किया जाता है उस देश में, तो ब्राह्मिन डॉलर, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार ने किस राज्य में ग्रामीण सड़कों के लिए उन्नयन के लिए $200 मिलियन के ऋण समझौते पर जो है वो साइन किया है, तो ये जो भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक के बीच में डील साइन हुआ है यानी $200 मिलियन जो है ना वो किस राज्य को दिया जाएगा, ये आपको बताना है इस प्रश्न में, और वो राज्य है आपका महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के जो कैपिटल है वो क्या है, मुंबई, सीएम कौन है, देवेंद्र फडणवीस, और वहां के राज्यपाल कौन है, मैंने आपको बहुत बार कराया है, और ये आपका आज का प्रश्न है, महाराष्ट्र के गवर्नर राज्यपाल कौन है, इसका कमेंट कर आपको बताना है आंसर। अब ये मत बोल दीजिएगा शिव विद्यासागर राव, उनको चेंज कर नया बनाया गया, मैंने आपको बताया है, ये आपको बताना है, ये आपका आज का पहला काम है। और एक बात, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई विकास बैंक का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो वो है आपका मैनिला फिलीपींस में, और वहाँ के राष्ट्रपति यानी ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के राष्ट्रपति कौन है, तो उनका नाम है आपका टेकिको नकाओ, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र किस वर्ष तक, जो दो बीमारी है आपका खसरा और रूबेला, इसको खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है, किस ईयर तक, कौन से साल तक, तो 2023 तक जो है ये बीमारी पूरे तरह से खत्म हो जाएगा। और WHO के जो हेड क्वार्टर है वो कहां पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। और आज का आपका दूसरा प्रश्न ये है कि WHO के डायरेक्टर जनरल कौन है, ये आपको कमेंट कर बताना है, ये आपका आज का दूसरा प्रश्न है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, वरिष्ठ राजनीतिक बी बाला भास्कर को जो है वो अगले भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है किस देश के लिए, और उस देश का नाम याद रखिएगा, उस देश का नाम है आपका नॉर्वे, क्या नाम है, तो नाम है नॉर्वे। और आज का आज जो है आपको तीन प्रश्न दे रहा हूं, हालांकि पहले एक एक नाम था, लेकिन नॉर्वे का राजधानी पहला, दूसरा आपको बताना है नॉर्वे का जो प्रधानमंत्री है उनका नाम, और नॉर्वे का मुद्रा, ये तीन चीज आपको कमेंट कर कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आपका होमवर्क है आज का, सभी को बताना है जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 2019 का जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाले कौन सा देश जो है वो निर्धारित किया गया है, यानी 2019 का वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप टूर्नामेंट जो है वो कौन सी कंट्री में होगा, ये आपको बताना है, और ये कहां पर होगा, तो ये होगा आपका काजिकिस्तान में, ऑप्शन नंबर बी, और वहां का राजधानी नूर सुल्तान। मुद्रा क्या है वहां का, जो वहां पर इस्तेमाल किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका काजिकिस्तानी तेंगे। और वहां के राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो वो है आपका कसियम जोमरत टोकावे, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने, टेस्ट क्रिकेट के सबसे कम उम्र के कप्तान बनने के लिए राशिद खान जो है वह किस देश के लिए खेलते हैं, ये आपको बताना है। तो जो राशिद खान है आप सभी को पता है, अगर क्रिकेट प्रेमी हैं तो ये भैया अफगानिस्तान से खेलते हैं। और मैं आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि इसके पहले जो सबसे कम उम्र के कप्तान थे टेस्ट मैच में वो थे जिम्बाब्वे के तैबू,
आप सभी ने नाम सुना होगा अगर क्रिकेट में थोड़ा भी इंटरेस्ट होगा तो। लेकिन आप इतना याद रखिएगा, अभी सबसे कम उम्र के टेस्ट मैच खेलने वाले कैप्टन कौन बन गए हैं, तो वो बन गए हैं अफगानिस्तान के राशिद खान। और अभी इन्होंने पहले ही मैच में मैन ऑफ द मैच यानी दोनों इनिंग में 11 विकेट लेकर अपने टीम को जिताया है बांग्लादेश के खिलाफ, ठीक है। और अफगानिस्तान का कैपिटल काबुल, करेंसी अफगान अफगानी, और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है तो अशरफ घानी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भवन क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की है, और उस शहर का नाम है आपका न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है, अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, आप सभी को पता है यूएस ओपन चल रहा था, सभी को पता है ना। यूएस ओपन में अगर पूछ दे कि यूएस ओपन का खिताब किसने जीता है पुरुषों के कैटेगरी में, तो आंसर नाम क्या होगा, आपका आंसर होना चाहिए राफेल नडाल, जो स्पेन के खिलाड़ी है। हालांकि ना अगर आप देखोगे इन्होंने कितने ऐसे टाइटल यानी ग्रैंड स्लैम जीत लिया है, तो इन्होंने टोटल ऐसे जो है वो 19 खिताब जीत लिया है, और बस एक खिताब पीछे है रोजर फेडरर से, ठीक है। और इनका जो था ये 19वां खिताब था ग्रैंड स्लैम। और इस बार का यूएस ओपन किसने जीता है, तो राफेल नडाल जो स्पेन के रहने वाले हैं। स्पेन का कैपिटल मैड्रिड, मुद्रा यूरो, और पीएम कौन है, पेड्रो सैंचेज, ठीक है। अगला प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे सामने, आपको बताना है हाल ही में यूएस ओपन 2019 का खिताब जीतने वाली पहली कनाडा की जो महिला टेनिस खिलाड़ी है उनका नाम बताना है। और ये कनाडा की पहली खिलाड़ी है जिन्होंने यूएस ओपन का टाइटल जीता है। मेंस का मैं बता चुका हूं, ओमेंस में ये खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है आपका बियांका आपका एंड्रीस्क्यू ने, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और कनाडा का कैपिटल राजधानी क्या है, तो ओटावा। मुद्रा क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो कनाडियन डॉलर। पीएम तो वो वहां के जो पीएम है प्रधानमंत्री उनका नाम क्या है, तो जस्टिन ट्रूड्यू। और एक बात मैं आप सभी को बता दूं, तो ये तो थे आपके 10 सितंबर के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। इसका पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा successki98.in से। और क्लास का टाइमिंग आज मत भूलिएगा, आज आपका 3 क्लास चलने वाला है 10 तारीख से। मैच शाम को 6 बजे, रीजनिंग 10 बजे, और GSG के जो TCS वाला प्रेस था जो आप कभी काफ़ी पसंद कर रहे थे वो शाम को 4 बजे, ठीक है। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा। और एक बात, क्लास मिस ना हो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। चलिए।